कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आदिवासियों को अपमानित कराने में भाजपा और मुख्यमंत्री को आनंद की अनुभूति होती है। वन मंत्री विजय शाह के बेटे जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिव्यदित्य शाह को कॉलर पकड़कर और धक्का देकर मुख्यमंत्री के मंच से नीचे फेंक दिया गया और साथ ही जमकर आदिवासियों के लिए जाति सूचक अपशब्द भी बोले गए। आगे उन्होंने लिखा कि भाजपा का साफ संदेश है कि अगर आदिवासी आगे आए तो ऐसे ही अपमानित किया जाएगा। अगर आदिवासी वन मंत्री विजय शाह की भाजपा में ऐसी दुर्गति है तो आम आदिवासियों के शोषण का अंदाजा लगाने पर भी रूह कांप जाती है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री विजय शाह का सम्मान हो या ना हो ये शिवराज सरकार का आंतरिक मामला है, लेकिन नौकरशाहों से आदिवासी समाज को अपमानित ना कराइए। आइए दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें वन मंत्री के बेटे को मंच से नीचे उतारा गया है।